हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट लेक्चर में पार्ट नंबर 9 को पूरा कंप्लीट कर लिया था। इस बार हम देखने वाले हैं पार्ट नंबर 10 और 11 दोनों आज कंप्लीट कर दूंगा डिटेल में पढ़ा के, ठीक है। बट कुछ आर्टिकल्स को मैं स्किप करूंगा, जैसे कि यहाँ से 258 से लेकर 261 तक आपकी मोस्ट ऑफ आर्टिकल्स कॉमन है, जिनको अगर आप एक बार रीड कर लो तो भी आपको आइडिया आ जाएगा कि किस किस बारे में है। बट इनको आप एग्जाम परस्पेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंस मत दो तो चलेगा, ठीक है। आपको खाली कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ज़्यादा पावर्स किसके पास है। तो शुरू करते हैं अपना पहला आर्टिकल आज, फिर पार्ट कह लो। तो पार्ट अपना आता है सबसे पहले कि पार्ट नंबर 10 कौन सा आता है, पार्ट नंबर 10 जिसके अंदर आपका दिया हुआ शेड्यूल एंड ट्रिबुलर एरियाज। याद रखना इसके अंदर आपकी एससी की बात नहीं गई है, एसटी की बात की गई है, याद रखना वो चीज़ें। किसकी बात की गई है, एसटी की बात की गई है, ओके। और एक और चीज़, जब ये ट्रिब्यूनल एरिया आ जाते हैं ना, तो इसके अंदर क्या दिया जाता है कि कुछ ऐसे उनके कुछ नियम होते हैं जो हमारे से चेंजेस होते हैं। मतलब वहाँ पे मोस्ट ऑफ कौन अपॉइंट होता है पता है, कि जब रिटायर आईएएस ऑफिसर हो गया, फिर रिटायर आईपीएस होते हैं, या फिर जो कोई भी ऑन ड्यूटी ऑफिसर होता है, जो कोई बहुत ही सीनियर कह लो या फिर जो उस एरिया का बिलोंगिंग है, तो उसको मोस्ट ऑफ वहाँ पोस्टिंग दी जाती है। इस कारण से क्योंकि वो इंसान वहाँ का है और उसको वहाँ का कल्चर पता होगा। क्योंकि देखो इनको स्पेसिफाइली डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया, बट इनको अलग से बताया गया था कि भाई ये लोग के पास अलग कुछ थिंकिंग्स हैं, इनकी कुछ अलग संस्कार है, इनके कुछ अलग संस्कृति है, तो इनको एक एरिया स्पेसिफाई दिया जाए कि जहाँ पे इनके खुद के कानून होंगे, जहाँ पे खुद के हर वो चीज़ कर सकते हैं जिनको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ऐसे चार राज्य हैं, पर याद रखना ये पूरे के पूरे राज्य के अंदर सब जगह ही ट्रिब्यूनल्स एरिया को इंक्लूड नहीं किया गया। इनके अंदर भी स्पेसिफाई रीजन्स के अंदर स्पेसिफाई वो कैरेक्टर या वो स्पेसिफाई जाति को ही हम कह सकते हैं कि भाई उनको इस कैटेगरी के अंदर रखा गया है। ऐसा नहीं कि पूरे आसाम को रख दिया है। तो हाँ, उसके अंदर एक ही आर्टिकल है कि पार्ट नंबर 10 के अंदर आपकी एक ही आर्टिकल है, 244 आर्टिकल। इसके अंदर आपके चार राज्य का उल्लेख किया गया है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। और एक बात याद रखना, इन चारों राज्यों के नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर से आपको नहीं पूछ सकता। आपको ये पूछ सकता है कि भाई ट्रिब्यूनल एरिया के अंतर्गत पहला राज्य या फिर दूसरा राज्य या फिर चौथा राज्य कौन सा आता है। तो याद रखना इन तीनों को या फिर इन चारों को एक साथ ही ट्रिब्यूनल एरिया के अंदर ऐड किया गया था। कौन कौन से, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और एक चीज़ कि ये पूरे के पूरे सारे एरिया, देखो आसाम आपके सेवन सिस्टर के साइड्स में आता है, वो भी इतना 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 कुछ बड़ा सा एरिया है, तो ये पूरा एरिया आपका ट्रिब्यूनल एरिया नहीं होगा, ठीक है। इसका कुछ स्पेसिफाई एरिया, कुछ स्पेसिफाई जगह कि भाई यहाँ पे इस कोने के अंदर कुछ लोग स्पेशल लोग रहते हैं जिनकी कुछ अलग मान्यता है, कुछ उनके अलग कल्चर्स है, तो वो लोग के ऊपर अलग कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं पड़ेगा, वो भी रहेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से ही। बट उनके कुछ जो संस्कृति है, जो उनकी विचारधारा कह लो या फिर उनके कुछ रिलीजन्स कह लो, उनको ठेस ना पहुंचे, इसलिए हम लोगों ने एक स्पेसिफाई तरीके किया कि भाई उनको एक स्पेशल रखा जाए, उनके एरिया को स्पेसिफाई रखा जाए, ठीक है। तो उनके कानून कुछ उनकी तरीके से चलते हैं। ये एक ही आर्टिकल है जो आपका पार्ट नंबर 10 में दिया हुआ। अब आते हैं आपका पार्ट नंबर 11, जो उसके बाद आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अंदर आपको खाली इतना समझना होगा, इसका देखो पहला लाइन में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है, सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशंस। मतलब सेंट्रल के कैसे संबंध होने चाहिए या स्टेट के कैसे रिलेशंस होने चाहिए सेंट्रल के साथ, कहाँ से कहाँ तक है। तो आर्टिकल नंबर 245 से लेकर आर्टिकल नंबर 263 तक आपका चलेगा। इनको दो भाग में डिवाइड किया गया। इसके बाद आपका पार्ट नंबर 12 आएगा, जो आपका आएगा फाइनेंशियल वाला, ठीक है। वो इसका ही थर्ड पार्ट आप इंक्लूड कर सकते हो, बट यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं स्पेसिफिक नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट नंबर 12 को डिटेल में पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो आज हम देखने वाले उसके दो पार्ट जिनको यहाँ पे पूरा डिटेल में बता दिया। आज हम लोग कहाँ से कहाँ तक देखने वाले, 245 से लेकर 263 तक देखने वाले हैं, जिसके अंदर आपका पहला आएगा लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप्स, दूसरा आएगा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप्स, ठीक है। मैं रिलेशनशिप बोल रहा हूँ पर आप उसको रिलेशनशिप समझ लेना, ठीक है। पहला आता है कि लेजिस्लेटिव मतलब कानूनी, क्या है, कानूनी, ओके। और याद रखना 245 से 255 तक, मैं 10 आर्टिकल्स के आपकी दी हुई है जिस तरीके, जिसके अंदर आपका कानूनी अधिकार या कानूनी तरीके से सेंट्रल और स्टेट अपना काम करेंगे, क्लियर हो गया। कॉन्सेप्ट याद रखना, इसके अंदर आपका मेन कॉन्सेप्ट ही है, इसके अंदर आपकी आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्टिकल आपकी दो इंपॉर्टेंट होगी, 262 263, क्लियर। बाकी सारा जो चीज़ें इसके अंदर दी हुई है वो सारी आपकी कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ें दी हुई है, कि अगर उनका कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लोगे ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि इन आर्टिकल्स का कहने का मतलब क्या है, क्लियर। एक और चीज़, 245 क्या कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर होगी कि वो लॉ बनाएगी, ठीक है। वो किसके लिए बनाएगी, इंडिया के लिए। कंट्री के लिए लॉ कौन बनाएगी, पार्लियामेंट बनाएगी, संसद भवन, ठीक है।
स्टेट लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेटिव ऑफ द स्टेट वो किसके लिए बनाएगी, तो स्पेसिफिक स्टेट्स के लिए बनाएगी। दूसरी आती है कि नेशनल या इमरजेंसी या सिक्योरिटी सिचुएशन में, कौन कौन सी, नेशनल इमरजेंसी या सिक्योरिटी के संबंधित अगर किसी को आर्टिकल्स बनानी होगी तो उसके अंदर दोनों का प्रावधान दिया हुआ है कि सेंट्रल भी अपना काम करेगी प्लस स्टेट भी अपना काम करेगी। बट यहाँ पे एक बात याद रखना कि सेंट्रल को मोस्ट पावर में गिना जाता है, सारी पावर्स कहीं ना कहीं सेंट्रल के पास ही है, मतलब अगर जो सेंट्रल डिसीजन ले लेगी वो स्टेट को मानना ही पड़ेगा। क्लियर, ये आपके आर्टिकल नंबर 45 में दिया हुआ है कि देश को चलाने के लिए तीन तबके रखे जाएंगे और तीन तबकों के अंदर पहला होगा कि पार्लियामेंट उस देश के लॉ बनाएगा। क्लियर, स्टेट असेंबली या विधान मंडल कह लो, जो अपने लेजिस्लेटिव ऑफ द स्टेट या फिर राज्य सरकार या फिर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कह लो, ठीक है, स्टेट ऑफ गवर्नमेंट कह लो, स्पेसिफाइड हर स्टेट अपने पास अपनी खुद की गवर्नमेंट चलाता है तो उनके पास सत्ता होगी कि वो अपने अंदर कोई भी लॉ का चेंजेस कर सकते हैं। क्लियर, और या फिर किसी नेशनल इमरजेंसी के कारण या नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई आर्टिकल्स या फिर कोई ऐसे सूची कुछ बनानी है, क्या फिर कुछ चीज़ों को प्रावधान में चेंजेस करना है तो दोनों सेंट्रल और राज्य दोनों मिलकर कर सकते हैं। बट याद रखना इसमें पावर किसकी होगी, सेंट्रल की होगी, सेंट्रल ने उसको कह दिया कि आपको इम्प्लीमेंट करना है, आपको ये मानना होगा, तो स्टेट उसके लिए मानने के लिए बाधित है और स्टेट को मानना ही पड़ेगा। क्लियर, अब आ जाओ आपकी दूसरी आर्टिकल के ऊपर जो कि आपका 246 है। 246 के अंदर कुछ स्पेसिफाइकली डिस्टर्ब कर दिया, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि भाई कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे रहेंगी और कौन कौन सी चीज़ें आपकी स्टेट में रहेंगी। ठीक है, आपके उसमें लंबा लंबा दिया हुआ, पर आप इतना याद रखो कि इसमें क्या दिया हुआ, सब्जेक्ट मैटर लिखा हुआ, एक वर्ड देखो, उसके अंदर आपको तीन चीज़ें दी हुई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, पहली चीज़ यूनियन लिस्ट, मतलब ये आपका पार्लियामेंट वाली सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद 100 यादी ऐसी हैं, कैसी 100 चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपने कानून में फेर बदल कर सकती है। क्लियर, सिर्फ कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट ही, ऐसी 100 यादियां हैं। ठीक है, ये सूचियां फिर लिस्ट कह लो, इसका स्पेसिफिक तरीके से आपका अनुसूची 11 में दिया हुआ है, शेड्यूल 11 में दिया हुआ, सॉरी, ठीक है, और उसी के अंदर मैं आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा कि ये लिस्ट वगैरह में कौन कौन सी आर्टिकल्स या कौन कौन से प्रावधान एक अलग अलग टाइप के दिए हुए हैं। ठीक है, तो इनको यहां मत पढ़ो, इनको मतलब इनको जब वो पढ़ाऊंगा तब उनको डिटेल में पढ़ा दूंगा, आप खाली इतना याद रख लो कि यूनियन में कितनी लिस्ट है, तो यूनियन में आपकी 100 लिस्ट है। ओके, स्टेट में पहले कितनी थी, 60, अभी कितनी है, तो 61 है। ठीक है, इनमें से आपकी 5 निकाल दी थी, ठीक है, 4 या 5 निकाल दी थी, और उन 5 को कहाँ ऐड कर दिया था, स्टेट में, कहाँ पे, सॉरी, कॉन्करेंट में। कॉन्करेंट में कौन आएगा आपका, सेंट्रल प्लस स्टेट, कौन सा, सेंट्रल प्लस स्टेट, ये दोनों मिलकर बनाएंगी, कौन कौन सी होंगी, इसके अंदर आपकी पहले 47 थी, अभी 52 है। आपको इतना याद रखना, आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से आपको इतना पूछा जा सकता है कि भाई यूनियन लिस्ट में कितनी यादी दी हुई है, तो 100, स्टेट लिस्ट में कितनी यादी दी हुई है, तो 61, या फिर कॉन्करेंट लिस्ट में कितनी यादी दी हुई है, तो 52, आपको इतना याद रखना है। क्लियर, इनमें क्या क्या, कौन कौन से, कब कब, किस में क्या क्या दिया हुआ है ना, ये 100 के 100 पढ़ाऊंगा, 61 भी पढ़ाऊंगा, 52 भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, एक लिस्ट बना के दिखा दूंगा कि इस लिस्ट में ये है, इस लिस्ट में ये, इस लिस्ट में ये है। क्लियर, वो एक स्पेसिफिक लेक्चर जो लूंगा तो आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा। ओके, अब आ जाओ आर्टिकल नंबर 247। अब इसमें कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ों को लेके एडिशनल कोर्ट्स का प्रावधान दिया हुआ है। ठीक है, कि कुछ चीज़ें अगर ऐसी हो जिनमें अभी ये दोनों राज्य ना मानते हो, ठीक है, या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो उनका मुकदमा लेके, या फिर उनको, उनके ऊपर डिसीजन कौन लेगा, तो पार्लियामेंट लेगा, या कोई यहाँ पर कोर्ट का वर्ड यूज़ किया, मतलब यहाँ पे किसी हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को हम ऐड नहीं कर रहे हैं, बट कोर्ट ऐसे कौन, इसका लास्ट डिसीजन कौन लेगा, पार्लियामेंट लेगा। क्लियर, ये आपका 47 में दिया हुआ है। 48 में क्या दिया हुआ है पता है, कि कुछ ऐसी पावर है, ओके, देखो ये वर्ड दिया होगा आपका रिडिकुलस लिस्टिस, फिर रिस्ट्रिक्टेड लिस्टिस, ठीक है, इनके अंदर क्या दिया हुआ पता है, ऐसे प्रावधान दिए हुए हैं जो उनको पता थे, मतलब देखो अभी उस टाइम पे जो आप ये सिंपल इतना समझ लो कि इसके अंदर आपकी बहुत सारे लिस्ट के अंदर आपके मामूली मामूली मुद्दों को ऐड कर दिया गया है, जैसे इन्वायरमेंट हो गया, आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है, पब्लिक के बीच में सेवा करने वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए, तो डिफरेंट विभागों को इन सब में ऐड किया गया। अब कुछ ऐसे बातें थी जो उस टाइम पे नहीं थी, जैसे कि उस टाइम पे साइबर क्राइम नहीं था, हैकिंग नहीं होता था, उस टाइम पे इसरो भी नहीं था, तो उन सब को कहाँ रखा जाएगा, तो उन सब के लिए आर्टिकल बनाया गया 248, जिसमें यह कहा गया कि इसको हम ब्लैंक रख रहे हैं,
देखो उसमें स्पेसिफिक वर्ड का यूज नहीं किया, पर मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया ब्लैंक, क्यों, जिससे कि आपको आइडिया आएगा कि अगर कोई सूची या फिर कोई ऐसी यादी या फिर ऐसी कोई संचित यादी, कैसी कोई लिस्ट, ऐसा कोई ऐसी कोई चीज जिनको पहले ऐड नहीं किया उनको बाद में ऐड किया गया तो वो कहाँ पे आएंगी, 248 के अंदर आएंगी। एग्जांपल के रूप में आप ले लो कि अगर ऑनलाइन में अभी हैकिंग चल रहा है, कोई भी ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो आपका साइबर क्राइम में होता है, इसरो, तो तीनों चीज़ आपकी किस में जाती है, इसके अंदर जाएंगी, क्लियर। और ये आएंगी किसके अंदर, तो ये आएंगी हमेशा आपकी यूनियन लिस्ट के अंदर, ये आपकी कभी स्टेट लिस्ट में नहीं आ सकती, क्लियर, ये कभी भी आपकी स्टेट लिस्ट में नहीं आ सकती, ओके। क्योंकि देखो साइबर क्राइम से रिलेटेड कोई भी स्टेट अपने खुद के नियम नहीं बना सकता है, क्लियर। या फिर कोई भी अगर सपोज कि FB है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, अलग अलग ट्विटर्स भी है, बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, उनके ऊपर कोई भी चीज़ अगर क्राइम कुछ भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही है, कुछ भी हो रहा है, एडिशनल कुछ भी एनीथिंग, तो कोई भी राज्य अपना स्पेसिफिक यूज़ करके उसके अंदर अपना स्पेसिफिक चेंजेस नहीं कर सकता, उसके लिए वो कहाँ जाएगा, सीधा सीधा जाएगा यूनियन लिस्ट के अंदर, ठीक है, एक संचित यादी के रूप में वहाँ पर चला जाएगा, यूनियन लिस्ट में चला जाएगा, क्लियर। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 249, इसमें क्या कहा है कि नेशनल इंटरेस्ट के रिलेटेड, देखो आपको है ना यहीं से समझना पड़ेगा, नेशनल इंटरेस्ट जो ये वर्ड है ना, ये वर्ड इनको आप याद रखना, 249 के अंदर ये कहा है कि अगर नेशनल इंटरेस्ट मतलब अगर नेशनल से रिलेटेड, ये मतलब पूरे देश से रिलेटेड कोई ऐसी यादी होगी, ये ऐसा कोई संचित यादी या फिर ऐसी कोई अनुसूची है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, वो राज्यसभा के अंदर 2/3 से अगर पास हो गया तो वो एक ईयर के लिए परमानेंट रहेगा, कब के लिए, एक ईयर के लिए टेम्पररी रहेगा, सॉरी कितने, एक ईयर के लिए, कोई भी हो सकता है, कुछ भी होगा, ठीक है, उस टाइम पे उसको लागू करने के लिए, लागू कर दिया हो तो भी कितनी मेजोरिटी चाहिए आपको, सपोज इट कि अगर अभी आपको सिंपल एग्जांपल बताऊं तो सपोज कि अभी गुजरात के अंदर किसी जगह पे कोई भी जिसको लेकर कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाता है, ठीक है, और उस कॉन्फ्लिक्ट को ठंडा करने के लिए राज्य सरकार अगर ये बोल दे कि भाई हमको गुजरात के अंदर इमरजेंसी लानी है, ठीक है, और गुजरात सरकार बोले कि नहीं हमको ज़रूरत नहीं है, तो और उसके पहले अगर वो राज्यसभा के अंदर 2/3 मेजोरिटी से पसार कर दे या पास कर दे तो एक साल के लिए वो टेम्पररी बन जाएगा, क्लियर। ये आपको एक मामूली एक सिंपल एग्जांपल दिया, बट आप इसको इतना कुछ समझना मत, क्लियर। आपको इतना याद होना चाहिए कि किसी चीज़ को अगर पास आउट करना है ना, उसमें वो यूनियन मान रहा है ना वो स्टेट मान रहा है, अगर नहीं मान रहा है तो उसको पसार करने का सिंपल मुद्दा है कि राज्यसभा के अंदर, कहाँ पे, राज्यसभा के अंदर उसको 2/3 से पास करो और एक साल के लिए उसको टेम्पररी बना दो, क्लियर। इनडायरेक्टली यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि स्टेट्स की पावर्स को लो किया गया, ठीक है, इनडायरेक्टली समझ लो कि स्टेट्स की पावर को कुछ रखा ही नहीं गया, स्टेट को सिर्फ नाम का रखा गया है इनडायरेक्टली, ओके। अब आ जाओ आर्टिकल नंबर 250 किसके बारे में, इमरजेंसी के बारे में। अब याद रखो यहाँ पे आपकी वो 352 356 360 वाली इमरजेंसी बाकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इनमें बात कर रहा हूँ कि इमरजेंसी की सिचुएशन में अगर किसी कारण से किसी भी अनुसूची को अगर ऐड करना होगा तो हम लोग फटाफट कर देंगे, क्लियर, कुछ नहीं। अगर उस टाइम किस होना चाहिए, उस टाइम इमरजेंसी लगी होनी चाहिए, ये कौन सा था, अगर इमरजेंसी नहीं है तो ये कौन सा, इमरजेंसी होगी तब, क्लियर, आपको इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब आ जाओ आपका आर्टिकल नंबर 51 जो क्या कहता है कि अगर किसी भी रीजन से 249 और 250 कौन से 49 और 50 में कोई भी चेंजेस किया होगा या किसी भी तरीके से चेंज किया होगा तो उसके लिए आप स्टेट 245 का यूज नहीं कर सकती है। 245 में क्या कहा है, 245 में कहा गया है कि लेजिस्लेटिव ऑफ द स्टेट अपने खुद के कानून बना सकती है, क्या कर सकती है, स्टेट अपने खुद के कानून बना सकती है, बट 49 और 50 क्या कहता है कि उनके पास से उनकी पावर्स को छीन लेंगे हम लोग किसी भी तरीके से, ठीक है। जब इमरजेंसी लगती है तो इनडायरेक्टली राज्य की पावर निकल जाती है, अगर इस चीज़ का यूज़ किया जाए और पार्लियामेंट के अंदर पास किया जाए तो भी क्या होगा, इसके अंदर भी राज्य की पावर को छीन लिया जाता है, तो राज्य भी अब कह सकता है कि भाई हमको भी पावर दिया गया 245 के अगेंस्ट में, राइट, तो यहाँ पर राज्य कह सकता है कि भाई हमको तो 245 के आर्टिकल्स के अंतर्गत हमको पावर दी गई है कि हम अपना खुद का एक लॉ बना सकते हैं, बट वहाँ पे बंधारण वाले जो बनाने वाले थे ना, जो दिमाग वाले थे, उनको पता था कि ये मुद्दा उठेगा, इसलिए उन लोगों ने यहीं पे लिख दिया 251 में कि 49 या 50 के अंदर से अंतर्गत कोई भी चेंजेस किया जाता है या कोई भी चीज़ नहीं लाई जाती है, या वो टेम्प्ररी हो चाहे वो परमानेंट हो, बट आप लोग स्टेट वाले 245 को यूज़ नहीं कर सकते। क्या है,
आप 245 को यूज नहीं कर सकते। ओके, अब आ जाओ आपका यहाँ पे 252 में। 252 में ये कहा है कि अगर दो से ज्यादा का स्टेट, कितने, दो से ज्यादा स्टेट अगर किसी लॉ को बनाना चाहते हैं तो वो सीधे जाएंगे पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट उसको पास कर देगी। क्लियर, दो से ज्यादा राज्य अगर एक साथ चाहते हैं तो, ठीक है, ऐसा नहीं कि गुजरात चाहता है तो मध्य प्रदेश नहीं जा रहा है। अगर गुजरात राजस्थान कोई ऐसे संयुक्त कुछ चाहते हैं कि भाई ऐसा कुछ चेंजेस हमारे दोनों राज्य के अंदर होना चाहिए और वो जाते हैं वहाँ लेके पार्लियामेंट के अंदर कैसा कुछ होना चाहिए, तो वो लोग इसको उसके ऊपर डिस्कशन करके उसको बना सकते हैं, ऐसा प्रावधान भी दिया हुआ है। क्लियर, पर मोस्ट ऑफ सिनेरियो में इसका यूज़ बहुत कम किया जाता है क्योंकि आपका कहीं ना कहीं इसके अंदर पावर आपकी छीन ली जाती है यहाँ से। क्लियर, अब आ जाओ आर्टिकल नंबर 253 में क्या कहा है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट, अगर सपोज आप जस्ट इमेजिन करके देखो कि अगर प्रधानमंत्री जी, ठीक है, अपने पीएम साहब मोदी जी अगर किसी इंग्लैंड में जाके किसी जगह पे किसी कंपनी के साथ कोई डील साइन करते हैं और ये कहते हैं कि हम लोग गुजरात के अंदर उनका ये मैन्युफैक्चरिंग या फिर ये प्लांट डालना चाहते हैं, ठीक है, तो उस नियम को मानने के लिए या फिर उस नियम को पालन करने के लिए स्टेट बाधित है, मतलब स्टेट कंपलसरी उसको मानेगा। क्लियर, तो ऐसा कहाँ पे कहा गया है, 253 आर्टिकल्स के अंदर कहा गया है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट के अंतर्गत ये लिखा गया है कि आपको देश को रिप्रेजेंट करने वाला कोई भी इंसान किसी भी जगह जाके अपने उस राज्य के हित में हो या ना हित में हो, किसी भी रीजन से हो, बट अगर वहाँ जाके एग्रीमेंट साइन करता है और उसको कहता है कि 28 राज्यों में से किसी भी एक राज्य को चॉइस करके वो बोल देगा ना कि इस जगह पे मुझे ये बनवाना है और वो इंटरनेशनल कंपनी एग्री साइन करती है तो उस राज्यों को उतनी ज़मीन देनी पड़ेगी विदाउट एनी कंसल्टेंट्स, कुछ उसको सोचना बोचना नहीं है, आपको देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ऑर्डर डायरेक्ट पीएम का है। क्लियर, ये होता है इंटरनेशनल एग्रीमेंट। अब आ जाओ 254 पे, क्या है कि स्टेट नॉट मेक एनी आर्टिकल अगेंस्ट द पार्लियामेंट, ठीक है, जो राज्य सूची है या फिर जो राज्य सूची है ना, ये कभी भी जो मेन पार्लियामेंट है, जो मेन आपकी यूनियन पार्लियामेंट कह लो या फिर आपकी यूनियन लिस्ट कह लो, उनके अगेंस्ट जाके कोई भी आर्टिकल्स को बना सकती नहीं है। क्लियर, आप कभी भी यूनियन से ऊपर नहीं होंगे। पहले क्या आता है, सेंट्रल, देखो समझो, सिंपल समझ लो, पहले क्या आता है, सेंट्रल, फिर आता है स्टेट, फिर आपका आती है लोकल गवर्नमेंट। क्लियर, तो आप कभी भी इसके ऊपर नहीं जा सकते हो, ये अपनी पावर्स को नीचे यूज करेंगे, ये अपनी पावर को नीचे यूज करेंगे। क्लियर, इतना याद रखना है आपको। क्लियर, तो 254 में यही कहा गया है कि कोई भी स्टेट अपनी पावर्स या फिर अपने कुछ ऐसे लॉ नहीं बना सकते जिनके कारण सेंट्रल के लॉ इफेक्ट हो। क्लियर, आप वो इसका यूज नहीं कर सकते हो, ये आपका 254 में कहा है। 255 में क्या कहा है कि अगर आपके राज्य के अंदर विधानमंडल के अंदर किसी प्रस्ताव को लेके बहुमत मिल जाती है और उसको डायरेक्ट आप प्रेसिडेंट के पास भेजते हो, कहाँ पे, प्रेसिडेंट के पास डायरेक्ट भेजते हो, तो अगर प्रेसिडेंट उस पर चाहे और साइन कर दे तो वो अनुसूची ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वो संचित निधि के अंदर ऐड कर दी जाएगी या वो स्टेट राज्य के अंदर, राज्य लिस्ट के अंदर उसको ऐड कर दिया जाएगा, स्टेट लिस्ट के अंदर वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। बट आप एक कॉमन सेंस समझो, हमने जब प्रेसिडेंट पढ़ा था तो मैंने आपको पहले बताया था कि प्रेसिडेंट हमेशा हर काम अपने नीचे के लोगों की बहुमति से करता है, मतलब उसका कहीं ना कहीं, देखो पार्लियामेंट के तीन अंग है, कौन कौन से, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट को साइन करने से पहले प्रेसिडेंट हमेशा अपनी कैबिनेट मीटिंग से या फिर अपने काउंसिल ऑफ मेंबर से मीटिंग करके कहीं से कहीं ना वो जांच पड़ताल करेगा कि भाई ये रखने लायक है, पास करने लायक है या नहीं है। तो इंडिया के लिए यही कॉन्सेप्ट हुआ ना कि आपको राज्यसभा या लोकसभा से पसार करके फिर आपको लेके आना है, तो वही है। बट यहाँ पे एक प्रावधान दिया हुआ है कि प्रेसिडेंट अगर डायरेक्ट भी चाहे तो भी कर सकता है। क्लियर, ये आपके कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे, ठीक है, ये आपके मोस्ट ऑफ आपके मेंस लिखने बैठो ना तो आते हैं, बाकी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन के अंदर आपको कोई ये नहीं पूछने वाला, आपको ये पूछ सकते हैं तो मोस्ट ऑफ आपके यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन से लिस्ट में कितनी जोगवाई दी हुई है, ठीक है, यूनियन लिस्ट के अंदर 100 दी हुई है, स्टेट लिस्ट के अंदर 61 दी है, पहले 66 थी, कॉन्करेंट लिस्ट मतलब कंबाइंड लिस्ट, सेंट्रल और स्टेट की कंबाइंड लिस्ट के अंदर 47 दी हुई थी, अभी 52 है, इतना याद रखो तो भी इनफ है।
ओके, एक और आर्टिकल आप याद रख सकते हो कि नेशनल इंटरेस्ट के टाइम पे राज्यसभा को कितनी बहुमत लेनी पड़ती है, तो 2/3 की बहुमत लेनी पड़ती है। और वो जो संचित निधि में या फिर किसी भी लिस्ट में ऐड किया होगा वो कब तक रहेगा, तो 1 साल तक वो टेम्पररी रहेगा। क्लियर। एक और चीज कि अगर इन दोनों का आर्टिकल का यूज किया गया होगा तब राज्य सरकार 245 का यूज नहीं कर सकती है। ओके, ये हो गया आपका लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप ओके बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट, कहाँ से कहाँ तक है, 245 से लेकर 255 तक है। क्लियर। अब हम देखने वाले हैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशनशिप। इसके अंदर आपको इतना याद रखना है, मैंने आपको समझाया वही कि सेंट्रल डिपार्टमेंट हमेशा पावर में रहेगा, स्टेट डिपार्टमेंट हमेशा लो पावर में रहेगा। दोनों कंबाइन होकर नौकरी कर सकते हैं, दोनों कंबाइन होकर अपनी हर वो काम को आसानी से कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ केसेस में उसको किया नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पे देखेंगे कि पढ़ेंगे जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को डिवाइड करके और डिफाइन करके अच्छे से बताया गया है। जैसे कि आर्टिकल नंबर 256 में क्या कहा गया, बताएं कि सेंट्रल हमेशा पावरफुल रहेगा स्टेट से ज़्यादा। ये सिंपल कॉमन सेंस है, ठीक है। आपको सिंपल बताता हूँ, यूपीएससी पास करके आने वाला इंसान स्टेट में बैठता है, क्लियर, और स्टेट पीसीएस को पास करके आने वाला, मतलब कि आपके स्टेट की खुद की जो पीसीएस एग्जाम्स होती है उनको पास करके आने वाला खुद के स्टेट में रहता है, बट जो यूपीएससी पास करके इंसान निकलता है वो पूरे 28 राज्यों में से उसका कहीं पे भी उसकी पोस्टिंग हो सकती है। क्लियर। ये आपका कहाँ लिखा हुआ है, 256 के अंदर लिखा हुआ है। याद रखना, आपको एग्जाम्पल के रूप में दे रहा हूँ ये वाला, इसको समझ में लेना कि भाई ये जो ट्रांसफर की मुद्दा है वो आपको इसमें दिया हुआ नहीं, मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे कि अगर किसी भी रीजन से कुछ भी हो जाए बट सेंट्रल हमेशा पावरफुल रहेगा और स्टेट उसके नीचे रहेगा, ओके, नीचे वाले स्टेट ऑफिसर्स को एग्जाम पास करके ऊपर जाना होगा बट ऊपर वाले नीचे कभी नहीं आ सकते। क्लियर, क्योंकि सेंट्रल हमेशा पावरफुल में रहेगा। दूसरी चीज, 257 में यह कहा गया, कंट्रोल ऑफ द यूनियन इन द स्टेट्स, मतलब यूनियन का यह कहना है कि जो 100 चीजें हैं ना, ये 100 चीजें अगर हम लोग उस राज्य के अंदर इम्प्लीमेंट करवाते हैं तो राज्य की ये भूमिका रहेगी कि राज्य को उनको प्रोटेक्शन देनी है, क्या करनी है, उनकी रक्षा करनी है। क्लियर। ये आपकी किस में दी हुई है, 247 में दी हुई है। एक और चीज़ कि आपकी जो ये जब दंगे फसाद होते हैं, जब बस को और पब्लिक प्रॉपर्टी को हम पहुँचाया जाता है ना, तो भी इसी के अंदर दिया हुआ है आपका 247 के अंतर्गत कि यूनियन ये कहता है कि भाई अगर वो चीज़ें हमारे रिलेटेड है या उसके ऊपर केंद्र का शासन है या फिर उस चीज़ को हम लोग केंद्र कंट्रोल करती है तो राज्य सरकार की ये एक नियम है, उसका रूल है कि उसको आपको प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी, कंपलसरी है। क्लियर। दूसरी चीज़, 258 से लेके 261 तक, कहाँ से, 258 से लेके 261 तक में आपकी सारी आर्टिकल्स में ये दिया हुआ है कि सेंट्रल पावरफुल है और स्टेट उसके नीचे काम करेगा हर चीज़ में। चाहे आपको पढ़ना है तो पढ़ लो उसके अंदर से, बट आपको इतना याद रखना है कि सेंट्रल हमेशा पावरफुल रहेगा और स्टेट उसके नीचे रहेगा। क्लियर। अब आ जाओ आपके आर्टिकल नंबर 262 और 263। ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है बट मैंने कहीं ना कि आपको पहले पढ़ाया था, अब इको स्पेसिफिक कह सकते हैं, स्पेसिफिक आर्टिकल के अंदर जगह कहाँ पे दी गई, तो यहाँ जगह दी गई है। देखो, मैंने आपको ये ट्रिब्यूनल कोर्ट पढ़ाया था कोर्ट टाइम के, जब मैंने आपको लास्ट में हाई कोर्ट वगैरह पढ़ाया था तो मैंने आपको एक टर्म पढ़ाया था, टर्म बताया था कौन सा, ट्रिब्यूनल कोर्ट। क्लियर। उनकी जगह यहाँ दी हुई है, क्या दी हुई है कि वाटर इंटर स्टेट, कौन से, वाटर इंटर स्टेट, कि पानी का विवाद हो, मतलब अगर मेरी एक, मतलब मेरी खुद क्या कह रहा हूँ, मतलब कोई भी राज्य में से सपोज करके ये राज्य है, ठीक है, और ये आपका यूपी है, ये आपका बिहार है, सॉरी ये समझता नहीं है, आपको मैं सिंपल समझाता हूँ, ये आपका राजस्थान, ये गुजरात और ये मध्य प्रदेश, ठीक है। सपोज इट के ऊपर यहाँ पे जम्मू कश्मीर से निकलती हुई, पंजाब से निकलती हुई सीधी वो राजस्थान से होते हुए गुजरात की बॉर्डर्स को टच करते हुए मध्य प्रदेश से होते हुए सीधी अरब सागर में मिलती है, ठीक है। ये आपको खाली एग्जाम्पल के रूप में दे रहा हूँ, ऐसी कोई नदी निकलती नहीं है, ठीक है, आपको सिंपल एग्जाम्पल समझो इस चीज़ को लेकर। अगर राजस्थान सरकार ये कह दे कि हमें गुजरात को पानी नहीं देना है तो क्या होगा, तो वाटर इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा और वो केस कहाँ जाएगा, ट्रिब्यूनल कोर्ट के अंदर जाएगा, जिसके अंदर आपके पाँच छः जज बैठे होंगे जो उसका डिसीजन लेंगे। क्लियर। अब समझो कि राजस्थान से जा रहा है, गुजरात से जा रहा है, पर गुजरात मना कर दे तो भी वो कहाँ जाएगा, आपका ट्रिब्यूनल कोर्ट के अंदर जाएगा केस। क्लियर। मतलब अभी किसी भी तरीके से ये चीज़ों को हमने है ना स्टेट में रखा हुआ है, स्टेट लिस्ट के अंदर है, ठीक है, इनको है ना हमेशा यूनियन लिस्ट में अगर ऐड कर देना ज़्यादा बेटर रहेगा।
ये मेरा एक आइडिया है, जो आप सोचते हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। क्लियर। अब आ जाओ आपका अगला आर्टिकल कौन सा है, 263, जिसका यूज रिसेंटली हुआ था, पर किसी ने सबका ध्यान अभी जस्ट जा रहा है। क्यों बताएं? एक आपने इंसिडेंस देखा होगा, अभी बीच में नरेंद्र मोदी जी ने एक मीटिंग रखी थी, वर्चुअल मीटिंग, जिसके अंदर आपके सारे सीएम, सारे लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, सॉरी, आपके सारे राज्यपाल, सबके सब जगह एक जगह मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग का लाइव ब्रॉडकास्टिंग किया था किसने? केजरीवाल ने। ठीक है, दिल्ली सीएम केजरीवाल ने उसका लाइव ब्रॉडकास्टिंग किया था, और मोदी जी ने उस टाइम पे ये कहा था कि भाई आप ये सब नहीं कर सकते हो, आप गाइडलाइंस को वायलेट कर रहे हो, राइट। जो वो मुद्दा था ना, उसकी आर्टिकल ये है 263 में क्या दिया हुआ है, इंटर स्टेट काउंसलिंग पूरे साल में कितने हैं? पूरे साल में तीन बार मीटिंग होगी। कितनी बार मीटिंग होगी? तीन बार मीटिंग होगी। ये मुद्दा यहाँ से आया था। दूसरा, उसके हेड कौन होंगे? सिंपल सी बात है, प्रधानमंत्री उसके हेड होंगे। क्लियर। इसके अंदर से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि भाई वो मीटिंग जो इंटर स्टेट काउंसिलिंग की मीटिंग होती है वो साल में कितनी बार होनी चाहिए? तो तीन बार होनी चाहिए। क्लियर। उनका हेड कौन होगा? तो प्रधानमंत्री, एमपी, प्राइम मिनिस्टर उनका हेड होगा। यहाँ मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को लगता है कि इनका मीटिंग करने के बाद इनका प्रेसिडेंट हेड होता होगा, पर हेड वो नहीं होता। हेड कौन होता है? पीएम होता है। क्लियर। तो ये आपका पूरा का पूरा पार्ट नंबर 10 और पार्ट नंबर 11 खत्म हो गया है। अब इसके बाद आपका पार्ट नंबर 12 आएगा, जो कि इसके अंदर है फाइनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट। ये आपका आएगा नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद।